देश भर में किसानों ने चक्का जाम करने का ये फैसला लिया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन, पंजाब हरियाणा में पिछले कई दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है और अभी और ज़्यादा असरदार हो गया। नेशनल हाईवे जाम करने का भी ऐलान किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में ये और ज़्यादा असरदार दिख सकता है। नेशनल हाईवे जाम करने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें देश भर में किसानों का ये चक्का जाम, क्योंकि बीते जो आपको बता दें कि जो किसान बिल लाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इसका कई राज्य लगातार पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उसमें कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे उसमें फैसले, कई ऐसे उसमें कानूनों में वो ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे जो किसान है वो संतुष्ट नहीं है और वो उसमें बदलाव चाहते हैं। लेकिन बार बार सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है और ऐसे में अब किसान मजबूर हो गए हैं चक्का जाम करने के लिए, हाईवे जाम करने के लिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अभी बीते दिनों रेलवे ट्रैक्स पर भी किसानों ने रेल रोक करके, जो रेलगाड़ियां थी उनका आवाजाही रोक करके वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। ये देखिए ट्रैक्स पर किस तरीके से किसान लेटे हुए हैं। देश भर का जो पेट पालने वाला किसान है वो आज खुद परेशान है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात। तो कृषि कानूनों के विरोध में आपको बता दें कि जगह जगह, ना केवल सिर्फ पंजाब हरियाणा में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी और देश के अन्य राज्यों में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से लगातार यही आग्रह हो रहा है कि जो मंडी सिस्टम सरकार ख़त्म करना चाहती है, इसे ना ख़त्म किया जाए। MSP की जो दरें हैं उसको बना करके रखा जाए, MSP को ना हटाया जाए। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक नहीं पहुँच रही और गुस्साए किसान अब लगातार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।